Bismillah. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हंसते बसते रहें, शादाबाद रहें। और जी पार्सल है मेरे हाथ में, सेफ में से इसलिए निकाला कि तीन दिन से संभाल के रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए और टाइम मिल नहीं रहा था। कल भी हमारी मॉर्निंग रूटीन थी और मॉर्निंग रूटीन में फिर ये वाला एडजस्ट नहीं हुआ, ब्लॉग काफी लंबा हो गया था, इसलिए जी अभी आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि बाहर चलते हैं, वहीं बैठ के तो आपको मैं आराम से दिखाती हूँ। चले जी, मैंने कहा यहाँ इजी होके बैठ जाते हैं, असल में मैं भी जी बहुत थकी हूँ। आज हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं 4:20 पे, जबकि हमने ब्लॉग 7 बजे के आगे पीछे पब्लिक करना होता है, आप तक पहुँचाना होता है। तो आप देख लें, आज असल में बड़ी बिजी रही हूँ। पार्लर में अभी निकली हूँ, आज एक रिबॉन्डिंग थी तो लाइट हमारी हो गई जी बंद, और लाइट बंद होने की वजह से फिर आपको पता है कि रिबॉन्डिंग वाला काम जो वो नहीं हो सकता, रुक गया काम, जिसकी वजह से मैं लेट से लेट रन होती गई। और बड़ा अच्छे तरीके से जी इन्होंने एक्सेप्ट करके भेजा होता है, और क्या चीज़ है ये खुलने के बाद भी आपको पता चलेगा, सरप्राइज है। ये देखें जी, और ये वाला जो कागज़ है ना, ये मुझे पहले संभाल के साइड पे नहीं करना है, क्योंकि बच्चे पकड़ के ना इसके पटाखे भी जाते रहते हैं ऐसे, ये टक टक जो करते हैं ना, तो वो उससे बड़ी मुझे चिढ़ होती है, इसलिए मैं इसको पहले गायब कर लूँ, इससे पहले कि ये बच्चों के हाथ में लगे। ऐसा ऊपर चढ़े हैं छत पे और शजीब साहब अंदर पड़ रही है इसमें। तस्वीर शायद आप उनको नज़र आ गई होगी जी, मैं फातिमा ने करीब करके जो नहीं दिख पाया, ये है जी एक का जो चॉपर। चॉपर तो आपको पता है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है, मगर ये है कि हम जब देसी किचन में जाके काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ से थोड़ा सा बिजली का इशू बन जाता है, लगाने का तार लंबा, मल्टी प्लग लगा भी लूँ ना तो बच्चे गुजरते हुए वो टांगों से अटका लेते हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। तो ये मैं एक दिन ऐसे मोबाइल पकड़ के बैठी हुई थी तो ये सामने आया, कई दफ़ा आया ये ऊपर नीचे सामने, तो मैंने क्या लगता है कि ये अब लेना ही पड़ेगा। अब अल्लाह करे मुझे ये सेट करना आ जाए, एक बार सा भी करनी है। चलें जी गौर करते हैं, अल्लाह करे कि एक बार सब तक तब तक आ जाए। और चॉपर लिया है तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज चॉपिंग वाली ही आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए, और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है जी, आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी और वीडियो स्किप भी नहीं करनी है, और वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर, और प्यारे प्यारे कमेंट्स तो आप करते हैं ना, उनसे यकीन करें कि दिल बाग बाग हो जाता है। और इनको मैं लेके चलती हूँ जी, सबसे पहले तो मैं इसे वॉश करूँगी, और अगर किसी मेरी सिस्टर ने इसे यूज़ किया हुआ है पहले तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उनका तजर्बा कैसा रहा है, हम भी इसका तजर्बा करते हैं। ये ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे कुछ नीचे मैंने सही एडजस्ट नहीं किया ना, इसलिए हिला नहीं है। ये बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चले ये बगैर बिजली किया तो इसको ट्राई करते हैं, ये चीज़ें हम संभाल लेते हैं। आज हम रेसिपी बनाएंगे जी अपने इसी वाले किचन में, क्योंकि मैंने बताया ना कि टाइम अभी हो गया है 4:30 का, तो ऊपर तो आपको पता है कि फिर अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में फिर वीडियो का रिजल्ट भी नहीं आता। और मैं फॉलर में भी तो मैंने महक फॉलर से कहा कि आप चीज़ें तैयार करके रख दो, देखते हैं महक ने क्या क्या किया है। चले जी कुछ ना कुछ तो लिखाया है मेरी बेटी ने। अभी मैंने सबसे पहले अंडे बॉयल करने ये रखती हूँ, और फिर बाकी की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और आज कुछ बातें भी करूंगी आपके साथ इंशाल्लाह। पहले मैं अंडे रखूँ, भूल ना जाऊंगे। लेकिन बात रह गया, इसके ऊपर आटा लगा देती हूँ। एक अंडा जी क्रैक निकला है, और मैंने मंगवाए थे पूरे पूरे, एक्स्ट्रा अंडे नहीं है मेरे पास कि मैं ज़्यादा डाल देती। कुछ दिन पहले भी एक बॉयल्ड अंडा वाली रेसिपी बनाई थी, तो मेरे अंडे वो बनाए थे बिरयानी, तो 2-3 अंडे टूट गए थे, फिर मुझे रोक के वीडियो तो दोबारा अंडे बॉयल करने पड़े थे। तो आज मेरे जहन में आया है आइडिया, पता नहीं अब ये कामयाब होता है कि नहीं होता,
अल्लाह करे हो जाए, बस दुआ कीजिएगा। टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा है और आटा भी इत्तेफाक से गुना हुआ था। सारे पीने के बाद ये ना हो के उतर जाए आटा, स्लिप हो जाए। सारे भी पतला पतला लगा रहती हूँ। अब इसको एल्फी तो लगा नहीं सकते, ये भी हमारे जमाने की एल्फी है जी। आटे गूंद के तो आटे की लेवियां बना के तो बुक्स जिल्द किया करते थे। गोश्त की बोटलें मैंने छोटी छोटी कर ली हैं जी, और गोश्त हमने पहले धोया हुआ था और ये जो पत्थर पड़ा हुआ ये भी धोया हुआ था। तो अभी मैं जानती कोई नहीं कि ये वाला जो पीस है ना ये किस लिए है, ये क्यों लगना है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बिस्मिल्लाह करके शुरू कर रही हूँ मुझसे। और गोश्त भी मैंने थोड़ा सा डाला है, मैं कि अभी नाजुक सा लग रहा है, ये ना होकर ज्यादा डाल के तो भी काम खराब था। और वैसे मैंने एहतियात यहाँ पे दूसरा वाला चॉपर भी मंगवा के रख लिया है। नहीं जी गोश्त इसके बस की बात नहीं है, गोश्त हमें निकालना ही पड़ेगा। गोश्त हम डालते हैं अपने इस वाले चॉपर में और चॉप कर लेते हैं। हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ जिसमें, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ ब्रेड के कुछ पीस, उनको मैंने छोटे छोटे गा लेती हूँ, आसानी से हो जाएंगे गोश्त के अंदर मिक्स। और हरी मिर्ची डाली है मैंने, सूखा धनिया डाला है, अंडे हमारे बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पे मैं फातिमा ने जो है ना कश करके रख दी है गाजरें, ये भी मैंने चॉप करनी थी, चलिए इसको अल्लाह भला कर उसने बारीक वाली जो है ना कश करके रख दी है। मैं कि पापा आ गए, बात सुनो जरा। बिस्मिल्लाह, ये जो चॉपर मैंने मंगवाया ऑनलाइन ये चेक करें जरा, मैं सही इसकी फिटिंग कर रही हूँ नहीं क्योंकि गोश्त तो नहीं ये करेगा, ये हरे मसाले ही करेगा। ये भी एक पीस है, ये वैसे मिक्सिंग करने के लिए, वो कटिंग करने के लिए, ये मिक्सिंग करने के लिए है जैसे मैदान ही डाल। और ये कटिंग रायता शायता जैसे बनाते हैं हम, जैसे पंजाबी में चीज को फेंटने के लिए। तो वो है उसको चूड़ियां लगी हैं, उसको ऐसे घुमाने के लिए कटिंग करने के लिए। अभी तक जी मुझे टाइम नहीं मिला इन वाले बॉक्सेस में स्पाइसेस डालने के लिए, अभी हम यही यूज कर रहे हैं। किसी दिन रात ही लगानी पड़ेगी, जैसे उसने सेटिंग की है ना उसी तरह से करना पड़ेगा। चलिए अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। मिर्चियाँ डाली है जी मैंने, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ये, मैंने कि आप मेहमानों को भी खिला सकते हैं, बच्चे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे ना। नमक मिर्च हल्दी थोड़ा सा जीरा चम्मच, ये देखा जी माशाल्लाह। इसको बाहर निकाल लेती हूँ छुरियों को, कुछ दिन पहले भी मैं फातिमा ने ना अपना हाथ काट लिया था, उस दिन से मैं बड़ी एहतियात करती हूँ, मैं फौरन इनको साइड पे काट देती हूँ, ये बाद में मैं वॉश कर लूँगी। इसको हम यहीं पर रखते हैं। और अभी इतना तो बनता है ना जी कि ये जो चॉपर है हमारा, ये हमारा प्याज तो चॉप कर सकता है, इतना तो इसको करना चाहिए। ज्यादा लगा है लेकिन ये देखे जी माशाल्लाह हो गए हैं। वो मेरा और फातिमा का ये जहन था कि जैसे उसमें एक सेकंड में एक झटके लगता तो ये प्याज हो जाती है, इस तरह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई एक मिनट तक मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन ठीक है अच्छा है। हाँ
चूल्हे पे, और अभी यहाँ पे मैंने भूननी है गाजरें और प्याज। इसमें थोड़ा सा मैं मेडिकल वाटर पहले डालूंगी, एक चम्मच सिर्फ। और थोड़ा सा नमक जो है वो मैं गाजरों में भी शामिल करूंगी। आप नहीं करना चाहें, अगर आप ये बनाना चाहें तो मेरी रेसिपी देखें, तो आप ना भी करें। अगर ये जी मेरे बच्चों को जरा पसंद है, इसलिए मैं ये नमक मिर्च इसमें डालूंगी। सिर्फ नमक मिर्च है, कुछ ज्यादा नहीं डालना है। गाजरों को जी मैंने 3 से 4 मिनट तक पकाया है, ये कुछ इस तरह की हो गई है। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ साइड पे, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो गई। ठीक रख लेते हैं और बाकी का काम वो शुरू करते हैं जी। जो मैंने ये चॉप किया है कीमा, उसमें मैं थोड़ा सा डालने लगी हूँ जी चाट मसाला। सिर्फ 2 दिन की मैंने डाला है जी, और इकबाल साहब आगे हमारी मदद करने के लिए, इकबाल साहब हमें जल्दी से अंडे छील के दे देंगे, थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाएगी क्योंकि अजाने होने वाली है और हमने जल्दी जल्दी ये रेसिपी तैयार करनी है। चलिए जी, हम यहाँ पे अगला प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाला है, देखने वाला है, तो आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे मैंने लिया है बहुत बड़ा ये कागज, ये वो भी ले सकते हैं आप, पैकिंग वाले जो होते हैं ना, इसमें ड्रेस पैक हुए होते हैं, तो इसको धो के मैंने साइडों से काट लिया है, इसको बड़ा कर दिया। और अब ये जो कीमा हमने चॉप किया था, सारी चीज़ें जो मैंने डाली थी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे कुकिंग करने का ये बहुत फ़ायदा है, इन चीज़ें साथ साथ सीख में रख ली जाएंगी, और इनको जी मैंने यहाँ पे खिला दिया है कीमे को। बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो गया, और देखने देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी यहाँ पे जी इसके अंदर चीज भी शामिल की जा सकती है। ये कीमे के ऊपर पहले चीज रखी है, फिर ये गाजरें लगाई, उसके ऊपर अंडे लगा सकते हैं, लेकिन मैं चीज नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है वो इसके अंदर इतनी ज्यादा चीज, तो इसलिए जी फिर हम इसको इसी तरह से लेके जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप इस पर चीज भी लगा सकते हैं। माशाल्लाह जी बहुत जबरदस्त बन गया जी। अभी इसी कागज के साथ आने से किनारे भी फोल्ड कर लेंगे। इसी कागज को घुमाएंगे ना तो किनारे बड़े अच्छे अंदर फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, किचन की भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जी। नॉनस्टिक तवा भी इंशाल्लाह लेके आऊंगी, और 1-2 चम्मच मैंने ऑयल लगा लिया।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से हमने उठा के तो रख दिया है तवे के ऊपर। अभी मैं परात देके इसको कवर कर रही हूँ, और जब हमने परात उतारनी है ना तो बहुत एहतियात से उतारनी है, क्योंकि ये गर्म हो चुकी होगी और इसके किनारे भी बड़े जो है ना खतरनाक से हैं। अच्छा जी, हमने मीडियम टू लो आंच रखनी है और 5 मिनट तक हमने एक साइड पर पकाना है। तब तक बड़ी आसानी हो गई है जी, यहाँ पे मैं जो मैस फैला हुआ ना वो समेट लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ। वरना तो जब हम बाहर बैठ के कहीं से कुकिंग करते हैं ना तो फिर हम बर्तन भेजते जाते हैं किचन में, जब ब्लॉग पूरा होता है रेसिपी मुकम्मल होती है तो किचन की हालत देखने वाली नहीं होती। ये भी मैंने आपसे शेयर कर दी है इसलिए जी कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी किया करें। आप सब अल्लाह ताला आपको जिला दे दी। 5 मिनट हो गए जी, तो अभी चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। माशाल्लाह जी, 5 मिनट में देखें जी एक साइड मेरी बहुत अच्छी कर रही है। अभी जी हमने इन साइडों पे ऑयल लगा लेना है और 5 मिनट के लिए हमने अब दूसरी साइड से पकाना है, फिर 5 मिनट के लिए इधर उधर की साइडों को पकाना है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन 25-26 मिनट लगे हैं और बहुत ही अच्छा सा हमारा रोल जो है वो तैयार हो गया। चारों तरफ से हर तरफ से मैंने इसको, यहाँ से मुझे थोड़ा सा खड़ा करके करना पड़ा हाथ से पकड़ के, ये साइड भी, लेकिन ये कि मैंने अच्छे तरीके से इसको कर लिया। ये देखें जी यहाँ से क्रंची हो गया और अभी हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये वाली जो इसकी लेयर है ना थोड़ी सी हार्ड हो जाती है क्योंकि ये कुक हुई है हल्की आँच पर, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से पहले सुराख बना लेंगे फिर आराम से जो है ना कटिंग हो जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह कितना जबरदस्त रोल हमारा जो है वो रेडी हो गया। कैंची से मैं काट लेती हूँ। आधा आधा इंच का पीस काट रही हूँ जी। मैं पहले वाला पीस मैंने बड़ा इसलिए काटा था क्योंकि मुझे आइडिया था कि अंडा इस जगह पे होगा और मैंने आपको कटिंग में अंडा दिखाना था, इसलिए वो वाला पीस मैंने चौड़ा काटा। लेकिन ये है जी कि पूरे का पूरा अंदर तक कुक हुआ है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। तकरीबन 25-26 मिनट हमने इसको स्टीम पे पकाया, तो आपको पता है कि इतनी देर स्टीम आने से चिकन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पक जाता है। बाकी रह गई थी बात वो गाजरें और प्याज की, तो वो आपको पता है हमने कुक करके अंदर लगाए थे। आप चाहें तो इसके अंदर बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं, जो आपकी पसंदीदा कोई सब्जी है जैसे कि मटर हो गए, उनको भी आप ये भाग के नीचे आ गए। इसको हमने ये थोड़ी सी कटिंग जो है ना वो ध्यान से होती है, जिसमें मैं कर लूँ फिर आपसे बात करें। इकबाल साहब कुछ बूस सुन के आ गए जी मेरे पीछे, और यहाँ पे मैंने आधा आधा पौना पौना इंच के गैप से ना कैंची से पहले एक दफा निशान लगा लिया। अब मैं जल्दी से इसकी कटिंग करके जाऊंगी, आपको दिल कर रहा होगा उठा के भाग जाओ। अब ऐसा होता तो वो भाग जाता, अभी वो गया हुआ अपने किसी दोस्त से हमरा की पूछने के लिए। माशाल्लाह जी, आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। ये आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आगे मौसम भी बहुत अच्छा आ रहा है और इस तरह के मौसम में
जो खुसूसी मेहमान होते हैं उनको इस तरह की चीजें बना के दें तो बड़ा ही अच्छा लगता है, और अपने घर वालों को बना के दें तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी है जरूर बताइएगा। अभी इसको करिए कि मेरे बच्चे बिखरे बुखरे हैं, वैसे अगर खासतौर पर घर नहीं है वरना वो यहाँ पहुंचा होता तो मैं उनको खिलाती और आपको रिव्यू लेके देती, मगर जी अभी हमें ऐसे ही वीडियो एंड करना पड़ेगा। तो आपसे मुलाकात होगी जी फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे से ब्लॉग में। दुआ भी याद रखिएगा जी, अपने भी रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।